हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 25 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एक एग्जाम ड्रॉपर, इसका भी लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप इसे भी एक बार जरूर डाउनलोड करके देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले लास्ट वीडियो की जो क्विज थी उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि बीते दिनों निम्न में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर होगा आपका एस किरण कुमार। देखिए, अच्छा अपडेट है, ध्यान रखिए इसको। इनको जो है मई 2019 में जो है ये सम्मान दिया गया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही दीपोर बिल को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी जो कि असम का राज्य शहर है, असम की राजधानी भी है, ठीक है। और इसी के अंदर जो गुवाहाटी का पश्चिमी किनारा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ की जो आर्द्रभूमि है उसी को नाम दिया गया है दीपोर बिल, ठीक है। और इसी क्षेत्र को हाल ही में जो इको सेंसिटिव जोन है वो घोषित किया गया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा। ये यहाँ पे इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, इसका मकसद यही है कि इस यहाँ पर जो इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर रोक लगाने के मकसद से, और साथ ही इसको पर्यावरण अनुकूल बनाने के मकसद से ही यहाँ पे ये इसको घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से नीति आयोग द्वारा जारी जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 है कि इसका सेकंड एडिशन है ये, ठीक है, जो नीति आयोग ने जारी किया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो हिमालयी राज्य हैं जितने भी, उनके अंदर हिमाचल प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो नॉन हिमालयी जो राज्य हैं, ठीक है, उसमें जो है गुजरात को प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो दो कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइडेशन है, हिमालयी राज्य जितने भी उसमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, और दूसरे जो नॉन हिमालयी हैं उनमें गुजरात पस्त स्थान पर रहा है, ठीक है। यह जो सूचकांक है जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ये भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है, डी वाला ऑप्शन। जल प्रबंधन सूचकांक मतलब पता चल ही रहा है आपको। देखिए यहाँ पे जो कौन सा राज्य जल प्रबंधन के मामले में सबसे बेस्ट है उस हिसाब से इसमें रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेशों की है उसकी अलग से सूची जारी की गई है जिसमें पुडुचेरी को जो है पहला स्थान मिला है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, कौन 2 अक्टूबर से देश में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले एकल प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा रहा है? तो आंसर होगा भारतीय रेलवे। इंडियन रेलवे ने ये घोषणा की है रिसेंटली, 2 अक्टूबर से देश के अंदर जो है मतलब कि रेलवे परिसर वगैरह जो जहाँ पे भी स्टेशन वगैरह हैं वहाँ पर अगर 50 माइक्रोन से कम मोटाई की जो पॉलीथीन वगैरह होती है, प्लास्टिक से बनी हुई जो भी चीज़ होती है, उस पर जो है यहाँ पर बैन लगा दिया जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पॉलीथीन कप होते हैं, स्ट्रो वगैरह होती है, ठीक है, वो इस कैटेगरी में होती है, उनकी जो बनावट होती है, मोटाई होती है, वो कितनी होती है, 50 माइक्रोन से कम की होती है, ठीक है, तो उनको बैन किया जाएगा। यहाँ पे एकल प्लास्टिक उपयोग का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जो मतलब जो भी प्लास्टिक से बनी हुई जो वस्तु होती है जिनको एक बार काम में लेके फेंक दिया जाता है उनको एकल प्लास्टिक की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए रेलवे की बात किए तो रेल मंत्री आप ध्यान रख सकते हैं कौन है, पीयूष गोयल है वर्तमान में, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, रूस ने आर्कटिक महासागर में अकादमी लोमोनोसोव को लॉन्च किया है, यह क्या है? तो आंसर का तैरता परमाणु रिएक्टर। देखिए ये विश्व का पहला फ्लोटिंग परमाणु रिएक्टर है यानी कि तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर है जिसको क्या नाम दिया गया है, अकादमी लोमोनोसोव नाम इसको दिया गया है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका नाम ध्यान रखें ना आपको, ठीक है। इसको एक और नाम दिया गया है, जितने भी जो पर्यावरणविद है जिन्होंने इसके बारे में जो है मतलब की बात की है उन्होंने इसको एक नाम दिया है और उसका नाम क्या है, परमाणु टाइटेनिक नाम से भी जो है इसको जाना गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
रूस की बात यहाँ पे की है, तो देखिए रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, ठीक है, और करेंसी क्या है, रूबल, रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही दयालुता पर पहले विश्व युवा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है, ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो आंसर होगा आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये पहला इसका जो है विश्व युवा सम्मेलन है जिसको आयोजित किया गया है, और इसमें लगभग 27 देशों के जो युवा प्रतिनिधित्व है प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये 23 अगस्त को, ये ध्यान रखने का, 23 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है, और इसका जो आयोजन किया गया है यूनेस्को के द्वारा, साथ ही जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इन दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निशुल्क चिकित्सा स्कीम के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है, तो आंसर होगा आपका ये मिला है यहाँ पे देखिए राजस्थान, ये भी अच्छा अपडेट है। राजस्थान जो है निशुल्क चिकित्सा स्कीम को लॉन्च करने या फिर उसको लागू करने के क्षेत्र में जो है सबसे आगे है, और इसी के अंदर इसको जो है पहले स्थान पर रखा गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, ठीक है। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो सीएम कौन है, अशोक गहलोत हैं वर्तमान में, और गवर्नर कौन है, कल्याण सिंह है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंबई में प्रोजेक्ट SU.RE को लॉन्च किया है, यह SU.RE का पूर्ण रूप क्या है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है उनका, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए SU.RE इसका फुल फॉर्म होता है, SU मीन्स होता है यहाँ पे सस्टेनेबल, और RE मतलब होता है रिजोल्यूशन, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, फुल मीनिंग होता है। इसको हाल ही में ये प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया है, कपड़ा मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी इनके द्वारा। देखिए इसका मतलब क्या, आपको बता दें कि इस तरीके का ये पहला प्रोजेक्ट है जिसका मकसद क्या होगा, देश के अंदर जो फैशनिंग क्षेत्र है, फैशन डिजाइनिंग क्षेत्र, उसमें विस्तार करने के मकसद से ही जो इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाजपा के दिग्गज नेता अरुण जेटली का निधन हो गया है, इनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो देखिए ये जो अरुण जेटली जी हैं इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है, भाजपा से ये बिलोंग करते थे, और 1999 से 2000 के बीच में ये सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके थे, साथ ही 2003-04 के बीच में न्याय मंत्री रह चुके थे, और 2014 से 19 के बीच में रक्षा मंत्री रह चुके थे। काफ़ी अच्छी इनकी जो है यहाँ पे थी, इसके अंदर भाजपा के अंदर काफ़ी अच्छे नेता थे जिनको अभी रिसेंटली निधन हो गया है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त यहाँ पे सभी सही है, डी वाला ऑप्शन। चलिए यहाँ पे देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टाइम्स पत्रिका ने किसे 100 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका देखिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में, और सोहो हाउस मुंबई, इन दोनों को जो है भारत की तरफ से इस 100 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है जो टाइम्स पत्रिका है इसके द्वारा, ये भारत के दोनों स्थान इस सूची में टॉप 100 में शामिल हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा अपडेट है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात में, जो कि सरदार पटेल जी की जो है स्टेच्यू है, और सोहो हाउस मुंबई के अंदर है, ठीक है, आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा को नवीनीकरणीय ऊर्जा का दर्जा दिया है, तो सही आंसर होगा महासागरीय ऊर्जा। देखिए जो महासागरीय ऊर्जा है जिसमें कई तरह की पार्ट शामिल है, ज्वारीय ऊर्जा है इस तरीके से, ठीक है, तो इसको हाल ही में जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा का जो है दर्जा दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे इसके जो वर्तमान में मंत्री कौन है वो है राजकुमार सिंह, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अपना, जो आज की क्विज है इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। क्वेश्चन है कि किसे पाजान एथलेटिक्स ग्राफिक 2019 का खिताब जीता है, तो जो भी आंसर है इसका सही आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, आई होप वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।